हाँ भाई बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर, है ना। तो सॉल्यूशन में हम लोग प्रासरण और प्रासरण दाब ये समझा चुके हैं। एक क्वेश्चन क्या था उस पर बेस्ड। अब हमारे पास उसमें एक क्वेश्चन और है ना, आ जाओ उस क्वेश्चन को हम लोग अभी करके देखते हैं सॉल्व, है ना। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना। अच्छा एक चीज और समझा दूं, एक एटीएम इक्वल टू होता है 1.013 बार, ठीक है ना, समझ में आया तेरे को। एक एटीएम इतना होता है। अब हम एटीएम को बार में चेंज करना चाहते हैं, कभी मान लो सपोज करो हमारे पास कोई क्वेश्चन है प्रेशर इक्वल टू है 3 मतलब 15.6 एटीएम है ना। इस एटीएम को हम लोग बार में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बार में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा। देखो एक एटीएम में कितना है, इतने बार है ना, तो P इज इक्वल टू 15.6 इसमें इंटू करना है किसको, 1.013 को, तो ये बार में आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो आप P इज इक्वल टू क्या आएगी, इसको मल्टीप्लाई करने पर जो भी टर्म आएगा यहां लिखना और वो आंसर हमारा बार में हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसे बार में ऐसे चेंज कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक बार इक्वल टू होता है 10^10। एक बार, एक बार इक्वल टू होता है 10^5 पास्कल, ठीक है ना, इतने पास्कल होता है। अगर इतने बार हो गया तो बार में क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, पास्कल में हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां कौन सा टर्म आएगा मैं एक बार देख लेता हूं मल्टीप्लाई करके, है ना। देखो 15.6 इंटू 1.013 ये आएगा तुम्हारा 15.80 बार। अब अगर मान लो इस बार को पास्कल में करना है चेंज, तो पास्कल में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, एक बराबर बराबर ये पास्कल होता है ना, अगर एक बार इक्वल टू ये पास्कल है तो बताओ इसको हम चेंज कैसे करेंगे। देखो 15.80 इंटू इसे इंटू करना है, ठीक है ना, 10^5 पास्कल, तो ये हमारा आंसर पास्कल में आएगा। ये पास्कल में आ गया, नहीं आ गया, समझ में आया। मतलब बार से पास्कल में चेंज करेंगे लिए कुछ नहीं करना है, 10^5 से क्या करना है मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ठीक है। अब हम उस क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था ना हमारा, ये 12वां क्वेश्चन है ना, क्या कह रहा है, ये तो आसान क्वेश्चन है। 185,000 मोलर भार वाले एक बहुलक के 1.0 ग्राम, एक पॉइंट कितना 0 ग्राम को 37 डिग्री सेल्सियस पर 450 ml जल में घोलने से उत्पन्न विलयन के प्रासरण दाब का पास्कल में परिकलन करना है, ठीक है ना। ये लिख लिया होगा आई होप सब लोगों ने, है ना। ये ना काम आता है इकाई परिवर्तन, ये तुम्हें सीखना चाहिए। देखो चलो आगे आ जाओ और हम इस चीज को सीखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं ना सॉल्व। चलो देखो ये क्या है, मोलर भार, मोलर भार किसका, बहुलक का, बहुलक का मोलर भार हमें दिया है 185,000, है ना, ग्राम पर मोल में होता है, सबको पता है ना बहुलक के। अच्छा अब दिया गया भार क्या है इसका, देखो हाँ बहुलक का दिया गया भार 1.0 ग्राम, ठीक है। तापमान कितना, देखो 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 डिग्री को चेंज करो किसमें, केल्विन में, तो क्या करना होगा 310 का पक्का 273.15 में जोड़ो 37 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 7 × 3 = 10, फिर क्या 7 × 3 = 11 और फिर ये 310.15 है ना, ये किसमें केल्विन में आ गया। और क्या दिया इसने, आयतन, देखो आयतन कितना है इसमें, आयतन इसमें है 450 ml,
अगर लीटर में करना हो तो क्या करते हैं, 450 को भाग करेंगे 1000 से, है ना, तो किस में पहुंच जाएगा, लीटर में 0.45 मत करो, है ना, 0.45 क्या होता है, 0.45 होता है, गलत पढ़ते हैं वो, ठीक है ना, डेसिमल के बाद में ना, डेसिमल के बाद अंक वाइज पढ़ना चाहिए डिजिट में। देखो ये हम लोग इसको भाग मत दो, है ना, 5 × 45 5 करोगे 20 बार में जाएगा, तो 9/20 लीटर। तुम ना ये भाग भाग करने के बाद इसको डेसिमल में मत लाया करो, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी फिर बाद में, है ना, देखना कहाँ दिखाऊंगा तुम्हें। 9/20 हो गया लीटर, अब क्या दिया इसने, अच्छा आपको ज्ञात करना है क्या, प्रासरण दाब, तो प्रासरण दाब निकालते हैं, आ जाओ पाई इक्वल टू बताओ क्या होता है, एन अपॉन बी आर टी, ये तो होता है, एन क्या है मोलक संख्या, निकालो मोलक संख्या, दिया गया भार कितना है 1, और मोलर भार कितना है 1,85,000, है ना, तो मोलक संख्या यहां से निकल के आएगी। अच्छा और क्या चित्र में, आयतन, आयतन ये रहा, सारी वैल्यू करेंगे इसमें पुट, देखो एन का मान कितना है 1/185,000, इतना ही तो है, गुना आर का मान बताओ कितना था बार में, 0.083, ये है यूनिट क्या थी, यूनिट क्या थी बार में थी ना, ये लीटर बार पर केल्विन पर मोल, है ना, यूनिट ना हम साथ में रख लेते हैं, ठीक है ना, और ये चलो यूनिट बाद में रखना, ठीक है ना, मतलब बार में है ना, ये स्पेस कम है हमारे पास थोड़ा सा, आर का तापमान कितना है 310.15 केल्विन, केल्विन मतलब को फिर है ना, अपॉन में बताओ इसका आयतन कितना है, आयतन है इसका 9/20, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत थोड़ी हो रही होगी, नहीं हो रही ना, इसकी सारी वैल्यू पुट करने के बाद हम इसे सॉल्व कर सकते हैं आगे, कैसे होगा ये सॉल्व बताओ, देखो 0.083 × 310.15, ठीक है ना, गुना में जाएगा ऊपर 20, अपॉन में कौन रहेगा पता है, 1,85,000 गुना 9, ये हमारा ऐसा सॉल्व होगा, ठीक है, अब इसे हल करना है, बीस ऊपर, ठीक है, अब इसे सॉल्व नहीं कर सकते तुम, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कैलकुलेटर का, ठीक है ना, तुम घर पे रहते तो अपने आप कर सकते हो, वैसे हुआ नहीं अपने आप, 0.083 × 310.15 और गुना करो इसमें कितने से 20 से, देखो भाई ये हमारा निकल के आ रहा है ग्राम, मोलर भाग से ये तो है, तो ये हमारा 514 तो ऊपर आ जाएगा, 514.849, अपॉन में बहुत ज्यादा नंबर आ रहे तो 1,85,000 गुना 9, 1,85,000 गुना 9, नीचे आ जाएगा ये हमारा 1,665,000, है ना, अब देखो ध्यान से इधर आओ, यहाँ हम लगाते हैं इसमें कैलकुलेशन, इसकी इंटू करने पर क्या होगा, देखो 514.849, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1665 × 10⁻³, ठीक है ना, है ना, अब इससे इसको भाग कर दो कितना आएगा, देखो ध्यान से, पाँच सौ चौदह पॉइंट 849 को मैं डिवाइड कर दूं 1665 से, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 30.9, ठीक है ना,
सॉरी गलत हो गए, 0.309, ठीक है ना, बस टू भी है लास्ट में, छोड़ दो उसको, इससे दोगे इसको ना डिवाइड, ये आ जाएगा टर्म। अब इंटू टेन का और कितना बताओ, माइनस थ्री। अब ये बार में निकल के आएगा, कहाँ निकल के आएगा, ये बार में, अपन को किस में चाहिए, पास्कल में। तो पास्कल में अभी तुमको समझाया था ना मैंने कि एक एक बार इक्वल टू कितना होता है, 10^5 पास्कल, पीए हो ना सिंबल होता है इसका पास्कल का। तो अगर हम इस वैल्यू को इसमें रखें पाई बराबर, तो क्या मिलना चाहिए, देखो ये तुम्हारा यूनिट होगा, ठीक है ना, 0.3092 इंटू माइनस थ्री इंटू, क्या लिखो बताओ, 5 है ना। जैसे ये सॉल्व होगा तो ये हमारा बनेगा 0.3092, पावर कितना बचा बताओ, माइनस थ्री प्लस 5 हो गया तो 2 बचेगा, 100 से गुना इसमें, जैसे ये 100 ही तो है, ये पॉइंट इधर पहुंच जाएगा इधर, तो 30.9 पास्कल हो जाएगा, है ना, 2 भी लगा दो इसमें, ठीक है ना। आप इसको 31 मान सकते हो, ठीक है ना, पीछे का आंसर है बुक में 30.9 नहीं है, 9 है वो, ठीक है, करो कॉपी, ठीक है ना। तो ये हमारा ये क्वेश्चन जो है ना फंसा हुआ था तुम्हारे घर पे, सॉल्व हो गया, क्यों अच्छा नीचे करना पड़ेगा पहले, ज्यादा लंबा हो गया ना, करो कॉपी करो कॉपी, है ना। तो ये क्वेश्चन फंसा हुआ था ना। अब हम लोग चलते हैं प्रासरण दाब के बाद में ना, हमें क्या करना है, विलयन के प्रकार पढ़ने हैं प्रासरण दाब के आधार पर, ठीक है ना। तो लिखो हेडिंग, प्रासरण के आधार पर विलयन के प्रकार। हमारा जो अगला हेडिंग बनेगा वो बनेगा प्रासरण के आधार पर, आधार पर, आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, ठीक है ना। विलयन का प्रकार होता है प्रासरण के आधार पर। कुल तीन टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, विलयन होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं काकू, तीन टाइप के, ठीक है ना। पहला होता है सम्प्रासरी विलयन, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। एक हमारे पास होता है अल्प प्रासरी विलयन, इसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक। देखो तो नाम में पता चल रहा है, अल्प मतलब कम, बोलते अल्प मात्रा में ले आओ, तो तुम बोलते कम देती नहीं मेरे को, हम कहते हैं अल्प मात्रा में दो, है ना, शुद्ध हिंदी बोला करो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन होते हैं, वो होते हैं जो भी बताऊंगा क्या होता है, ठीक है ना। एक तीसरा होता है अति प्रासरी, अति मतलब होता है ज्यादा, बोलते नहीं अति हो गया अब तो बहुत हो गया, है ना, अति प्रासरी, प्रासरी विलयन। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक। ये तीन टाइप के हमारे पास क्या हुआ करते हैं, विलयन प्रासरण दाब के आधार पर। समझा बच्चा, नहीं समझा कॉपी करो, अभी समझाऊंगा, छप गया। चलो अब सबसे पहले अपन तुमको क्या सिखाएगा, सम्प्रासरी विलयन। तो पहला डालेंगे हेडिंग हम लोग सम्प्रासरी विलयन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये कौन होते हैं भैया, ऐसे दो विलयन जिनके प्रासरण दाब कैसे हो, बराबर हो, है ना। तो लिखो इसके अंदर, दिए गए ताप पर, दिए गए ताप पर, दिए गए ताप पर यदि दो विलयनों का प्रासरण दाब समान है, यदि दो
विलयनों का प्रासरण दाव समान है, तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? समप्रासरी विलयन कहते हैं। ठीक है ना। अब अगर मान लो हमारे पास दो विलयन है, एक विलयन हमारे पास है ये, ठीक, इसका प्रासरण दाब मान लो क्या है? पाई वन है, ठीक है ना। और एक दूसरा विलयन है बी, तो इसका भी जो प्रासरण दाब होगा वो क्या होगा? इक्वल रहेगा। तो पाई वन इक्वल टू पाई टू जब हो जाता है, ठीक है ना, तो हम क्या कहते हैं विलयन कैसी है? समप्रासरी विलयन है, ठीक है ना। तो समप्रासरी विलयन, अब देखो कंसंट्रेशन क्या होगी दोनों की? अलग अलग हो सकती है ना, लेकिन दाब क्या है इनका? दाब इनका बिल्कुल समान है। समझ आई तुम लोगों को बात? तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई का? C1RT, है ना, ये तो होता है फॉर्मूला। ये एक के लिए हो जाएगा और इधर C2RT, है ना। अब देखो ये हमारा RT तो कांस्टेंट है, कट जाएगा, तो C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C2, यानी कि समप्रासरी विलयनों का सांद्रता सेम रहता है। क्या रहता है? कंसंट्रेशन सांद्रता, ठीक है ना। अभी कुछ बातें और बताऊंगा और समझ में आएगा। अब बताओ ये कंसंट्रेशन ही तो है, मोलरता ही तो है, तो क्या हो जाएगा? M1V1 इक्वल टू M2V2 वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। गलत, सही। इसके मोलों की संख्या बटे क्या, यहां पर V2, यहां पर क्या होगा? देखो इधर N2/V2, सॉरी एक में वन आएगा ना, एक है ना, हाँ। तो क्या हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपस में इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। N1V2 इक्वल टू N2V1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये रहा मोलों की संख्या इनटू आयतन, क्या होता है? मोलरता ही तो होती है। हो गया, करो कॉपी। इसके बाद कौन आता है? अति प्रासरी या अल्प प्रासरी, दो पढ़ेंगे अभी, है ना, करो कॉपी इसमें, फिर चलते आके। इसके बाद कौन आता है बताओ? तो इसके बाद देखो अति प्रासरी विलयन दूसरा आता है, अति प्रासरी विलयन, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अति पढ़ लो पहले, क्या दिक्कत है, आगे पीछे पढ़ लो। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अति पढ़ लो पहले, अल्प बात है, ठीक है ना, पढ़ना तो सबको ये। चलो, वह विलयन जिसका प्रासरण दाब दूसरे विलयन की तुलना में अधिक होता है वो कौन होते हैं? अति प्रासरी विलयन कहलाते हैं। अति प्रासरी विलयन कहलाते हैं, ठीक है ना। अति प्रासरी विलयन की सांद्रता क्या होती है बताओ? अधिक होती है ना। कुछ थ्योरी है इस चैप्टर में जो बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद में कौन आता है? अल्प प्रासरी विलयन। तो थर्ड हमारे पास है अल्प प्रासरी विलयन। ये हमारे होते हैं
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं अंग्रेजी में, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अपन इसे कहते हैं, ठीक है ना। अब हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब होता है कम, हाइपर मतलब ज्यादा, कुछ बोलते नहीं लोगों को गुस्से में क्यों हाइपर हो रहा है इतना, हाइपर मतलब ज्यादा, ठीक है ना। तो वही लोगों ना, लोग वैसे पढ़े लिखे नहीं होते वो भी बोलते हैं इंग्लिश, उन्हें पता नहीं होता, बोलते नहीं हाइपर मत हो, है ना, बीपी हाई हो रहा है, तो बीपी हाई का अंग्रेजी का शब्द है, उसे बोला था कुछ रक्त आपसे पीड़ित है, तो है कि नहीं, हिंदी नहीं बोलते अंग्रेजी बोलते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है। चलो आगे बढ़े, इसमें कौन से होते हैं, वह विलयन जिसका प्रासरण दाब, जिसका प्रासरण दाब दूसरे विलयन की तुलना में, दूसरे विलयन की तुलना में क्या होता है, कम होता है, कम होता है, वो कौन होते हैं, अल्प प्रासरी विलयन कहलाते हैं, अल्प प्रासरी विलयन कहलाते हैं। बात समझ में आया, कौन होते हैं ये, अल्प प्रासरी विलयन कहलाता है, है ना, कहलाते हैं। बात देखिए, अब अल्प प्रासरी जो विलयन होगा उसकी सांद्रता कम होगी, तो हम इधर लिखेंगे अल्प प्रासरी, अल्प प्रासरी विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, अल्प प्रासरी विलयन की सांद्रता कम होती है, ठीक है ना। अब इसका ना एनसीईआरटी में एक बेहतरीन एग्जांपल दे रखा है, रक्त कोशिकाएं जो हमारे शरीर में होती है वो डूबी रहती है, वो डूबी रहती है किसमें, विलयन में, तो वो जो विलयन होती है उस विलयन की जो कंसंट्रेशन होती है सांद्रता वो 0.9 होती है, वेट बाय वॉल्यूम, क्या होती है 0.9 वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। यहां पर मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करूंगा, ठीक है ना। देखो रक्त कोशिकाएं जीरो पॉइंट नौ वेट बाय वॉल्यूम NaCl विलयन में रहती है। बात समझ में आ गया, NaCl कौन है, सोडियम क्लोराइड, वो जो ना तुमको लगाते हैं डॉक्टर लोग ग्लूकोज के नाम पे, उसे बोलते हैं सलाइन, सलाइन मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। वो जो विलयन होता है उस डब्बे के अंदर पैक प्लास्टिक में, उसकी सांद्रता हमारे रक्त के अंदर जो विलयन है उसकी सांद्रता बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों आपस में कैसी हो गई, इक्वल हो गई, तो उसको बोलेंगे समप्रासरी विलयन। क्या लगाते हैं, समप्रासरी विलयन क्या होता है, क्यों, दोनों का प्रासरण दाब समान होना चाहिए। हमारे बॉडी में जो है रक्त, उसके अंदर कौन है, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी, उसे बोलते हैं रक्त कोशिकाएं, ठीक है ना। वो डूबी रहती है जैसे ना मलाई में, मलाई खाई है, उसमें ना गोल गोल से डाल देते हैं, क्या होता है वो, मलाई में मलाई तो होगी, अरे रस मलाई नहीं होती है, तो रस मलाई में, रस में डूबी कौन रहती है, मलाई। तो दोनों की सांद्रता सेम रहती है, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जैसे ना रस मलाई में रस होता है और रस में मलाई डूबी रहती है, ऐसे हमारे शरीर के अंदर रस होता है रक्त, और उस रस में डूबी रहती है कौन, रक्त कोशिकाएं। तो दोनों की सांद्रता समान रहती है, ठीक है ना, रक्त कोशिका की भी और अंदर जो विलयन में डूबी उसकी भी, ठीक है ना, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अगर तुम्हें डॉक्टर ने कोई ऐसा इंजेक्शन ठोक दिया जिसकी सांद्रता रक्त की सांद्रता से कम है, तो भी दिक्कत हो जाएगा तुम्हें, तो भी मरोगे। और अगर तुम्हें उसने कोई ऐसा विलयन ठोक दिया या ऐसा इंजेक्शन ठोक दिया जिसकी सांद्रता ज्यादा है, ठीक है ना,
तो भी तुम्हें दिक्कत होगी। तो वो जो हमें इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, वो जो भरता है सूं करके ऐसे, है ना, वो क्या भरता है, मेडिसिन होता है ना, वो विलयन ही होता है, वो स्टेराइल होता है, ठीक है ना, फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सभी प्रकार के जीवाणुओं से रहित होता है वो, ठीक है ना। वो उस वो जो बनाते हैं ना विलयन इंजेक्शन का, वो विलयन संप्रासरी होता है हमारे रक्त के साथ, मतलब जो सांद्रता सोडियम क्लोराइड की हमारे रक्त में है 9.9% है वेट बाय वॉल्यूम, इतना ही उसका भी होता है इंजेक्शन का, डिब्बी उठाना वॉयल बोलते हैं, वॉयल है ना, उस वॉयल जो कांच की होती है उसको देखना लिखा हुआ, लिखा होगा कंसंट्रेशन NaCl का, है ना, वो इतनी लिखी रहती है, समझ में तुमको बात। अब हम यहाँ पर 3 बीकर को बनाएंगे, कितने बनाएंगे काकू, 3, वेरी गुड, ऐसे बोलना चाहिए 3 बजेगा तेरा भी, इंदे को टेन टेन टेन, ठीक है, एक तो ये बनाएंगे इधर, एक इधर बनाएंगे, ठीक, 2 हो गया ना, तीसरा इधर बना लेते हैं, बाहर जा रही है, चलो ठीक है, 3 बन गए ना, मुंह बंद नहीं रखना ना इसका, और खोल के रखना है, हाँ हाँ आप आए तो उसमें विलयन के जा लेंगे ना, तो चौक करा खोल के रखना है, और क्या, देखो हम 3 विलयन लेंगे, 1 विलयन में मतलब कि 3 विलयन है, एक की बीच वाले की जो कंसंट्रेशन है वो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम है, समझ में आया, एक हमारे पास विलयन है इसकी जो सांद्रता है, क्या है इसकी सांद्रता, वो ज्यादा है किससे, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम से, ठीक है ना, और यहां जो सांद्रता है किसकी, विलयन की, यहां मैं लिख रहा हूं विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता वो बराबर किसके है 0.9% की, ठीक है ना, और यहां पर जो है वो ज्यादा है, विलयन की सांद्रता वो ज्यादा है 0.9% से, और इस विलयन की जो सांद्रता है वो कम होगी, विलयन की सांद्रता वो कम है 0.9% से, ठीक है ना। मेरे पास 3 टाइप के क्या है सॉल्यूशन है, यानी कि विलयन है, एक तो वो विलयन है जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% से क्या है ज्यादा है, तो ये कौन सी होगी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगी ना, हाइपरटोनिक मतलब अति प्रासरी विलयन, और ये कौन होगी समप्रासरी विलयन, समान है, और ये हमारा होगा अल्प प्रासरी, कम है ना। हम क्या करेंगे, देखो पहले मैं ले लूँ उसमें विलयन, चलो ठीक है ले लेते हैं विलयन, है ना, ये हमारा विलयन है, ये हमारा विलयन है, ठीक रोहन बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है पढ़ने में, अभी कहाँ आएगा, तो नया नया आया है ना, कुछ समय बाद आएगा, एकदम से कुछ, एकदम से कुछ नहीं आता है ना, हाँ आराम आराम से आएगा, मतलब समझ में। देखो इस वाले तीनों ही विलयन में मैंने क्या किया पता है, रक्त कोशिकाएं डाल दिया, क्या डाल दिया, अब काकू को मैंने फाड़ा, रक्त कोशिकाएं निकाली और इसमें डाल दी, है ना, तो मैंने इसमें क्या डाल दिया बताओ, इस विलयन में मैंने डाल दिया रक्त कोशिकाएं, रखते हैं ना। अभी मैं तुमको ना एक मजेदार कहानी भी सुनाऊंगा, तीनों में मैंने डाल दिया, देखो को रक्त कोशिकाएं जो होता है वो किस आकार का होता है पता है यार, हाँ बटन जैसे, सही बात बोल रहे, बटन का आकार का ना, उस आकार का नाम मैं भूल गया हूं अभी, मुझे पता है उस आकार को क्या बोलते हैं, नहीं पता तुमको, कॉनकेव देखा है, कॉनकेव देखा है, कॉनकेव अवतल दर्पण देखा है, जिस आकार का वो रहता है ना, दसी भी थोड़ी अंदर को ऊपरी भी से बाहर को ऐसी रहता है, ठीक है ना, उसको ना कुछ कहते हैं मैं भूल गया, ठीक है ना। देखो तो वही हमारा इसमें क्या है कोशिका है, तो उसी आकार का हमने इसमें डाल दिया है। पहले विलयन की तरफ आते हैं, है ना, देखो पहले विलयन में क्या होगा, इसमें मुझे लिखना भी है ना इधर, देखो पहले विलयन के अंदर विलयन की सांद्रता क्या है बताओ,
ज्यादा है कोशिका की। अगर विलयन की सांद्रता इससे क्या है ज्यादा है, इसका मतलब जो अंदर कोशिका है उस कोशिका की सांद्रता कम होगी, कम नहीं होगी। सांद्रता कम होने का मतलब क्या होता है, पानी ज्यादा, पानी तो पानी क्या होगी कोशिका से बाहर निकल जाएगी, बाहर कोशिका से। अभी तुमको क्या समझाया था, प्रसरण क्या होता है, शुद्ध या फिर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले की ओर विलायक अणु का गमन। क्या समझाया था, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक अणु का गमन। तो ये जो आरबीसी है हम इसको आरबीसी बोलेंगे, ठीक है ना, आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्प सेल, ठीक है ना, लाल रक्त कणिकाएं, समझ में आया। तो यहां जो आरबीसी है उसकी सांद्रता तो कम है क्योंकि विलयन की ज्यादा है ना, तो जिसकी सांद्रता कम है उसमें से पानी के कण बाहर निकल जाएंगे, पानी के कण और कहां जाएंगे, विलयन के अंदर। तो जो आरबीसी के अंदर जल के अणु थे, जल के कौन थे, अणु थे, वो कहां निकल गए, हैं बाहर निकल गए ना। क्यों निकले बाहर, क्योंकि बाहर ज्यादा सांद्रता का विलयन है और आरबीसी में कम। तो क्या कहा मैंने, प्रसरण कब होता है, जब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक अणु का गमन होता है। तो आरबीसी में से रख, आरबीसी में से जल कहां गया, निकल के विलयन में गया, कहां गया, कौन गया बताओ, जल निकल गया, ठीक है ना, जल निकल गया ना। तो बताओ जब अंदर से पानी बाहर निकल गया तो क्या हो जाएगी, कोशिकाएं सिकुड़ जाएगी, क्या हो जाएगी, अबे गुब्बारा है फूला हुआ पानी भर दिया, पानी अगर बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, फूलेगा कि सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा ना। तो ऐसे आरबीसी जो तुम्हारे रक्त में से मैंने निकाला था ना वो बिल्कुल अच्छी थी, गोलमटोल थी, है ना, लेकिन तुमने जैसे इस विलयन में डाला तो आरबीसी में से पानी बाहर निकल गया, जब पानी बाहर निकला तो क्या हुआ, आरबीसी सिकुड़ गई। तो अगर आप अपने रक्त के कोशिकाओं को किसमें डालोगे, अधिक सांद्रता वाले विलयन में, तो रक्त कोशिकाएं सिकुड़ जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए आपको आपके रक्त की जो सांद्रता होती है उससे अगर अधिक सांद्रता वाले विलयन को इंजेक्ट कर दिया, लगा दिया इंजेक्शन, तो तुम्हारे रक्त की जो कोशिकाएं है ना वो सिकुड़ जाएगी। अगर वो सिकुड़ जाएगी तो आपको अलग अलग रोग हो जाएगा, ठीक है ना, आपकी डेथ भी हो सकती है, समझ में आया। तो इस वाले केस में क्या होता है, देखो आरबीसी सिकुड़ जाती है ना, ये लिखेंगे आरबीसी सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, बात समझ में आया तुमको, आरबीसी सिकुड़ जाती है, ठीक है ना। या तो ये हमारा कौन हुआ, अति प्रासरी विलयन, अति प्रासरी विलयन हो गया, समझ में आया तुमको। अति प्रासरी विलयन कौन होते हैं, ऐसे विलयन जिसकी सांद्रता ज्यादा होती है दूसरे विलयन की तुलना में। और अगर हम ऐसे विलयन में आरबीसी डाल देंगे, रेड ब्लड कॉर्प सेल, है ना, तो वो सिकुड़ जाएगी। क्यों सिकुड़ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर से पानी बाहर आ जाएगा, अंदर पानी क्या है ज्यादा, बाहर पानी क्या है कम, तो जहां पानी ज्यादा होता है ना वहां से कम की तरफ बहता है कि नहीं। ऐसा थोड़ी होता है कि यहाँ पानी ज्यादा है तो यहाँ पानी आएगा, यहाँ से पानी जाएगा उधर की तरफ, है ना। अब यहाँ चार बाल्टी पानी गिरा दूंगा ना वहां पानी जाएगा, क्यों, यहाँ पानी चार बाल्टी वहां पानी बिल्कुल नहीं तो वहां भग जाएगा, है ना, वही चीज यहाँ पर होती है। इसमें आ जाओ, अब सुनो, ये भी हमारा कौन है, ये आरबीसी है, ये हमारा आरबीसी है, हमारा क्या तुम्हारा भी, सबका आरबीसी है, खाली कक्का को आरबीसी थोड़ी है भाई, सबके पास आरबीसी है, आरबीसी, ठीक है ना। अब बताओ, अच्छा यहां पर होगा क्या, सिकुड़ जाती है, क्यों, क्योंकि कोशिका से जल बाहर, छे कितनी गंदी लिखता हूं मैं, बाहर निकल जाता है, निकल जाता है, बात समझ में आया तुमको। ये एनसीईआरटी में लैंग्वेज लिखी हुई है डिक्टो, ठीक है ना, सब कुछ मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं इसको, इधर आ जाओ, इसमें आ जाओ, बताओ इसमें क्या होगा, सेकंड वाले में बताओ, बराबर रहेगा ना, सुकड़ेगी और ना ही फूलेगी,
है ना, फूले की तीसरे वाले में है ना, इधर इसमें देखो जितनी शानदारता है, अब बताओ जितना जल अंदर है उतना जल बाहर भी है, तो अगर अंदर से बाहर कुछ जल जाएगा भी है ना, तो कुछ अंदर भी घुस जाएगा, मतलब जितना बाहर आएगा उतना ही अंदर पहुंच जाएगा, सुंदरता सेम है कि नहीं। अब देखो मान लो कुछ जल बाहर निकल गए तो कुछ अंदर भी घुस जाएंगे, है ना, समझा रहे तू? तो यहां पर क्या होता है, संप्रासरी विलयन, संप्रासरी विलयन हमारा ये हो गया, ठीक है ना। क्यों हो गया? क्योंकि सांद्रता दोनों की समान है, ठीक है ना। कोशिका की, कोशिका की लिखूं का लिखूं, कोशिका का की आकृति या आकार लिखे है ना, आकृति नाम हो जाएगा मैडम जी का, कोशिका की आकार यहां पर का आएगा यार, कोशिका का आकार में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संप्रासरी विलयन, क्या बोलेंगे इसको, क्यों भैया, क्योंकि जितना पानी बाहर है उतना पानी अंदर घुस गया है ना। चलो सांद्रता बिल्कुल समान थी इसलिए, इधर आ जाओ इधर इधर। अब देखो अब उल्टा हो गया, तुमने ऐसा विलयन ले लिया जिसकी सांद्रता कितना 0.9 से क्या है, कम है, सांद्रता कम है, इसका मतलब वो पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम है, अंदर पानी कम है कोशिका में, बाहर पानी ज्यादा है, तो बाहर पानी ज्यादा है तो क्या होगा, इधर का पानी निकल निकल के इसमें जाएगा, है कि नहीं। जो विलयन ना बाहर, तुम बताओ किसमें इसको डालते हो, पानी में, किसमें इसको डालते हो, लाके दुकान से सूखी हुई किसमें, तो पानी अंदर घुसता है कि बाहर निकलता है, अंदर जाएगा ना पानी तभी तो फूलेगा किसमें, पानी अंदर गया, यहां पानी बाहर ज्यादा था किसमें में कम था, तो यहां पर क्या है, तनु विलयन से सांद्र विलयन में घुसा कौन, पानी, इसे बोलते हैं प्रासरण, क्या बोलते हैं उसको, प्रासरण से वो फूल जाता है। अब उस फूले हुए किशमिश को लाके नमक में डाल दो, क्या हो जाएगा, किस घुट जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा सारा उसमें से, है ना, यही तो होता है, ठीक है ना। तो यहां पर पानी केवल अंदर जाएगा, ठीक है ना, मतलब पानी अंदर आ जाएगा, तो इस केस में क्या होगा पता है, इतना पानी अंदर जाएगा, इतना पानी अंदर जाएगा कि ये फट जाता है, क्या होता है ये फट जाता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे हो जाता है, ठीक है ना, ब्रस्ट हो जाता है, समझ में। यहां पर क्या होता है, इसे हम लोग क्या, यहां पर ये लिखो तुम, कोशिका में विलयन से पानी, विलयन से पानी प्रवेश कर जाता है ना, प्रवेश कर जाता है तथा फूल कर फट जाती है ना, फट जाती है। तो ऐसे विलयन में आपने कहाँ रखा इसको, अति प्रासरी विलयन में रख दिया, इसलिए ऐसा हो गया। तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, अति प्रासरी विलयन, अति प्रासरी विलयन, ठीक है ना, हमारा ये कहलाएगा। समझ आया बाबू, आरबीसी फट गई, यहां पर नहीं फटी, यहां पर सुगड़ गई, बराबर रह गई, है ना। तो हमको ये वाला विलयन ठोकते हैं डॉक्टर लोग, ठीक है ना, इंजेक्शन में उसकी, हाँ सांद्रता उसकी सेम रहती है। इंजेक्शन की बात करो कि तुम सिरप समझो, है ना, सिरप तो पीते हैं वहां नहीं, ठीक है ना, इंजेक्शन थोड़ी पीते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर यही विलयन चलता है, ठीक है ना, आरबीसी वाली, ये वाली संप्रासरी विलयन, ठीक है ना। अब कोई पूछे कि बताओ इंजेक्शन की विलयन कैसी होती है, सिंपल कह देना संप्रासरी, कैसी होती है, कोई बोले क्यों, कहना क्योंकि उस विलयन की सांद्रता और हमारे रक्त की सांद्रता बराबर, ठीक है ना, बात समझ में आई सबको, साइड हट जाओ, लो छाप लो। अरे ये अति होगी भाई, कॉमन सेंस की बात है ना, अति प्रासरी, ठीक है ना, वो गलती इसलिए गया था ना, इधर हमारा क्या था, अति यहां हो गया था, अल्प नहीं होगा ये, कॉपी करो उसको ना, हम बड़े पढ़े लिखे इंसान है यार, अल्प है भाई वो, कहा पता है, हम बर्बाद हो चुके हैं ना, तो ऐसे होता है, जब क्या ना,
खत्म हो गया भाई। देखो सर इसमें ना इस वाले केस में एक चीज और ध्यान रखना, इधर तुमने ना सुना होगा डॉक्टर लोग कहते हैं कम नमक खाओ कुछ लोगों को, है ना, उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ एक बड़ा आता है एडिमा, एडिमा हिंदी में कहते हैं सोफ, ये रोग है। देखो जो लोग अधिक नमक खाते हैं तो नमक की मात्रा क्या हो गई रक्त में, तो बढ़ गई, रक्त में बढ़ गई है ना, सॉरी रक्त कोशिकाओं में बढ़ गई। तो जहां पर कोशिकाओं में रक्त बढ़ गया वो NaCl हमारा बढ़ गया, तो वहां पर पानी अंदर घुसने लगता है फिर कोशिकाओं के अंदर पानी। भाई रक्त कोशिकाओं के अंदर अगर पानी जाएगा तो फूलेगी नहीं वो, तो ऐसे ही जब हमारे विलयन जो है उसकी सांद्रता कम हो जाती है रक्त की और कोशिकाओं की अधिक हो जाती है ना, तब पानी कोशिका में घुसने लगती है, कोशिका में, और कोशिका भी फूल जाती है, कोशिका फूल जाती है, तो वहां पर ना परेशानी होती, बहुत दर्द महसूस होता है ना, कठिनाई होती है, और उसी केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि उसको एडिमा हो गया, ये रोग का नाम है, ठीक है ना। इस एडिमा की वजह से उसे तकलीफ महसूस होती है। तो नमकीन, कोई कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉक्टर लोग बीपी के मरीजों को नमक कम खाने की सलाह क्यों देते हैं, तो इसीलिए देते हैं कि उसके अगर वो नमक खाएगा तो कोशिका के अंदर पानी प्रवेश कर जाएगा, ठीक है ना, प्रसरण के कारण, क्या तो कोशिका फूल जाएगी तो फिर उसकी बीपी और बढ़ेगी, फिर उसकी बीपी और बढ़ेगी, है ना, इसीलिए उसे बोलते हैं नमक कम खा। तो नमक खाकर क्या होता है उसका सांद्रता बढ़ जाता है, किसका, रक्त विलयन का, है कि नहीं। अब फिर वहां से जल जो है प्रवेश करता है किसमें, कोशिकाओं में, और फिर वो फूल जाती है, फूल जाएगी तो उसको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, फट भी सकता है, अब फट जाएगा तो फिर तो डेथ भी, है ना। तो इसलिए हम लोग ना ये नमक कम खाने की सलाह देते हैं किसको, बीपी वाले मरीज को ही, किसका है लो, ये दो एक मिनट, है ना। देखो इसके बाद में एक टॉपिक थोड़ा सा और आता है, कौन सा, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, नाम सुना है, अरे पानी नहीं पीते तुम लोग, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसे अपन लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम प्रसरण, है ना, प्रतिलोम प्रसरण, प्रतिलोम प्रसरण क्या होता है, देखो तुमको याद है अभी हम लोगों ने एक डायग्राम सा बनाया था ऐसा कल परसों में, याद नहीं है, याद नहीं, भूल गया है भाई, अरे बनाया था परसों भैया, ऐसा बनाया था, है ना, यहाँ बीच में हमने वो लगाया था कुछ झिल्ली सी, है ना, लगाया था ना झिल्ली, और इधर हमने शुद्ध विलायक लिया था, इधर हमने विलयन लिया था, है ना, मतलब एवाश्मशील विलय भी है इसके अंदर, है ना, ठीक है ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास शुद्ध है, ये हमारे पास विलयन है कि नहीं, लाल लाल जो है ना विलय के कण है इसके अंदर जो हम दिखाए थे, और ये हमारे पास इधर जो है सेमी परमिबल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अर्ध पारगमय में झिल्ली, बताओ विलायक के कण कहाँ जा रहे थे, इधर जा रहे थे, इधर, है ना, तो इधर जा रहे थे तो हम यहाँ दाब लगा रहे थे इधर, है ना, पी एटीएम में हम पाई लगा रहे थे ना, हम इधर रोक रहे थे केवल, हम इधर इतना दाब लगा रहे थे कि इधर से विलायक कण इधर ना जाए, रुक जाए बिल्कुल बीच में, तो हम उस दाब को क्या कह रहे थे, प्रसरण दाब। अब हमने क्या करा, प्रसरण दाब से ज्यादा दाब लगा दिया, किधर, इधर की ओर, इतना दाब इस यहां में लगा दिया कि इधर के जो अणु थे विलायक के वो उधर पहुंच गए, कुछ तो पहले शुद्ध था, है ना, उस शुद्ध में और जाने लग गए, है ना, तो इधर से विलायक के जो कण होंगे वो उल्टी दिशा में क्या हो जाएगी, बह जाएगी, गंगा उल्टा बहा देंगे हम, ठीक है ना, गंगा भी इधर से उधर बह रही थी ना, उधर बहा दो, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रसरण दाब से अधिक दाब लगा करके तुमने विलायक के अणु का गमन
करवा दिया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम प्रसरण, क्या बोलते हैं इसको। हाँ, तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, विलयन की ओर, विलयन, हाँ हाँ विलयन, विलयन की ओर प्रसरण दाब से, प्रसरण, प्रसरण दाब से अधिक दाब लगाकर, अधिक दाब लगाकर विलयन के विलायक अणुओं का, विलायक अणुओं का शुद्ध विलायक की ओर, शुद्ध विलायक की ओर गमन प्रतिलोम प्रसरण कहलाता है, गमन प्रतिलोम प्रसरण कहलाता है, प्रतिलोम प्रसरण कहलाता है। बात समझ में आई, प्रतिलोम प्रसरण क्या होता है। तभी तो आरओ के अंदर क्या होता है, ये जली लगी होती है एसपीएम, पानी आप उसमें डाल देते हो बाहर से हैंडपंप का या फिर टंकी का या फिर सबमर्सिबल का, तो उसके अंदर क्या होते हैं, आयंस वगैरह अधिक मात्रा में होते हैं, है ना। तो विलयन की ओर इतना अधिक दाब लगा देते हैं कि उसमें से आयन तो यहीं रह जाएगा, आयन तो यहीं रह जाएगा और जो विलायक के कण हैं वो इधर की तरफ गमन कर जाएगा, शुद्ध जल, शुद्ध जल क्या हो जाएगा, इधर की तरफ गमन कर जाएगा, ठीक है ना। H2O गमन हो गया और यहां से आप टोटी लगा लेते हो, टोटी लगाते ना, टोटी यहां हमने लगा दिया टोटी, ये हमारा बन गया इधर नल, ठीक है ना। और इधर से हमारा क्या निकलेगा, पानी, ये बाल्टी में पानी भरेगा, ठीक है ना, शुद्ध पानी पीने वाला इधर भरेंगे ना। और यहां से ना इधर से गंदगी बाहर निकलती रहती है एक पाइप से, आरओ में से बाहर निकलती है ना, गंदा पानी इधर बाहर निकलता है, अलग साफ पानी इधर बाहर निकलता है, तो उसमें यही प्रोसेस चलता, ठीक है ना। जल का शोधन कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसको, जल का शोधन। तो प्रतिलोम, तो आज के बाद ना आरओ मत कहना उसको, प्रतिलोम प्रसरण कहना, ठीक है ना। इधर ले आ भाई, ठीक है, मेरे घर पे लगा दे लाके कैंट का प्रतिलोम प्रसरण, वो चौक जाएगा जो लगाने आएगा कहीं क्या कह रहा है, हिंदी बोल दिया शुद्ध, है ना। मैंने कहा ना हमारे जो भारतीय लोग हैं अंग्रेजी बोलते हैं ना चाहते हुए भी, उन्हें अंग्रेजी आता है, कहता मुझे नहीं आती अंग्रेजी, कहना तुझे आती है अंग्रेजी, तू हर दिन बोलता है अंग्रेजी, है कि नहीं। आरओ तो कहता ही है अंग्रेजी का शब्द है, कोई दिक्कत है तुमको नहीं ना। तो यहाँ हमारा खत्म हुआ ये सारी चीजें, ठीक है ना। अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा असामान्य मोलर द्रव्यमान यानी वेंट ऑफ का गुणांक, ठीक है ना, इस्तेमाल होगा और कुछ नहीं सारी बातें समझाऊंगा, ठीक है ना। वेंट ऑफ गुणांक अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगली क्लास में हम लोग ना खत्म करने की कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर, ठीक है ना। एक टॉपिक रह गया हमारा असामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। तो कल तुमसे मिलते हैं ना इसी समय, चलो ठीक।